गुड मॉर्निंग बच्चों, हमारी आज की क्लास में हम लोग जो है वह एक कहानी के बारे में बात करने वाले हैं। लेकिन उस कहानी से पहले क्या आप यह बता सकते हो कि आपको किस तरीके की कहानी की किताबें पसंद है? क्या वह कार्टून वाले होते हैं या फिर किसी भी तरीके के अलग तरीके के चुटकुलों की किताब? बहुत सारे बच्चों को जो है वो कार्टून की किताबें बहुत ज़्यादा पसंद आती है, किसी को चुटकुलों की किताबें पसंद आती है, कोई व्यक्ति जो है वो धार्मिक होता है तो उन्हें वह किताब पसंद आती है। तो उसी तरीके से हमारी आज की क्लास में हम एक बच्ची के बारे में जानने वाले हैं कि वह अपने किताब के बारे में बताती है उसे किस तरीके की किताबें पसंद है। तो हमारी आज की कहानी का नाम है मेरी वाली किताब। किताब किसकी? मेरी वाली। मेरी वाली किताब को अगर हम बात करें तो इस कहानी के लेखक का नाम है होल्गर पुक। कहानी की शुरुआत में एक वीरू नाम की लड़की के बारे में बताया जाता है। तो वीरू की मां ने उसे एक संदेश दे करके वीरू की मौसी और अपनी बहन के पास भेजा। मौसी ने प्यार से वीरू को अंदर बुलाया और बैठक में ले गई। बैठक में कदम रखते ही वीरू अचानक से ठिठक गई, चकाचौंध हो गई। उसने सोचा, बाप रे, इतनी सारी किताबें। वहां नीचे से ऊपर तक किताबों से भरे खानों वाले दो लंबे दीवार थे। वह आंखें फाड़े देखती रही। अंत में उसने साहस करके पूछा, क्या आपके पास बच्चों के लिए भी किताबें हैं? मौसी ने कहा, हाँ, यह देखो, यह वाला खाना और यह वाला, मतलब यहाँ यहाँ किताबें हैं बच्चों की, तुम्हें जो पसंद है वह ले लो। वीरू ने हैरानी से कहा, इतनी ढेर सारी किताबें? मेरे पास तो इतनी किताबें है ही नहीं। मौसी ने कहा, यदि तुम चाहो तो मैं पढ़ने के लिए तुम्हें कुछ किताबें दे सकती हूँ। तुम्हें किस तरह की किताबें सबसे अधिक पसंद है? वीरू ने धीरे से कहा, मुझे मालूम नहीं। मौसी ने एक किताब निकालकर वीरू को पकड़ाया और कहा, तुम यह किताब पढ़कर देखो। वीरू घबराकर पीछे हटकर बोली, बाप रे, यह तो बहुत मोटी है। मौसी ने सुझाव दिया, अच्छा, तो फिर शायद यह वाली ठीक रहेगी। वीरू बोली, यह बहुत बड़ी है, मेरे बस्ते में ही नहीं आएगी, मेरे बैग में नहीं आएगी। मौसी ने फिर एक तीसरी किताब दिखाई और पूछा, और इसके बारे में क्या ख्याल है? वीरू ने किताब के पन्ने पलटे और यह फैसला किया, इसमें पढ़ने के लिए बहुत कम है, इतनी छोटी छोटी तस्वीरें, और यह किताब बहुत पतली भी तो है। तो मौसी ने कहा, तो वीरू, मुझे तो लगता है कि मुझे तुम्हारे लिए किताब नहीं चुन पाओगी, मैं तुम्हारे लिए किताब नहीं चुन सकती। तो ऐसा काम करो, अगली बार जब तुम आओ तो अपने साथ एक फुट्टा लेते आना। तो वीरू पूछती है, फुट्टा क्यों? तो मौसी ने हंसकर कहा, तुम्हें जितनी मोटी किताब चाहिए तुम नाप कर ले जाना, ठीक है ना? तो वीरू ने माँ के भेजे हुए कागज को मेज पर रखा और अपनी मौसी की बात को सुनकर शर्मा गई और वहां से चली गई।
तो यह थी वीरू की कहानी कि उसे किस तरीके की किताबें पसंद थी। तो उसे तो कोई किताबें पसंद नहीं आया, तो सवाल है कि उसे किस तरह की किताबें पसंद आएगी। आपको किस तरीके की किताबें पसंद है बताइए जरा।